आज हम लोग विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और पूरे चीज़ों को जानेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये चैप्टर 7th और खासकर 8th और 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक में ये पॉइंट जो है, जितने भी पॉइंट आज पढ़ाएंगे, इससे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बनेगा, 2 नंबर वाला बनेगा और 5 नंबर वाले प्रश्न भी इससे बनेंगे। तो आप इसको बारीकी से समझिए। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का गुण कौन, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, प्रकाश कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, प्रकाश के साथ जितने भी संबंधित प्रश्न हैं या टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है प्रकाश किसे कहते हैं। तो उत्तर क्या है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। माने प्रकाश का एक परिभाषा कोई पूछे प्रकाश किसे कहते हैं, तब आप ये लिखिएगा प्रकाश एक भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा, या इसी परिभाषा को आप दूसरे तरीका से कह सकते हैं, कैसे, प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई भी वस्तु को हम देखते हैं तो ये प्रकाश की सहायता से ही देख पाते हैं। दूसरा है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आप तीनों परिभाषा 1, 2 और 3, ये तीनों परिभाषा प्रकाश का ही है। आपको जो लिखना होगा आप लिख सकते हैं, तीनों का तीनों सही है। अगर हमसे कोई पूछे सर आप क्या लिखिएगा तीनों में से, तो हम ये लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सबसे अच्छा हमको ये लगता है, ये ऊर्जा का एक रूप है सही में। और अंग्रेजी में भी कहते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आपका पहला नंबर पॉइंट बनता है क्या, ये प्रकाश क्या है। कोई पूछे प्रकाश क्या है, तो ऊर्जा का एक रूप है। वो क्या करता है, तो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। दूसरा है कि कोई भी वस्तु, कौन कौन ऐसी वस्तु है जो प्रकाश देती है, माने प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। यानी अगला पॉइंट हम लोग का बन रहा है क्या, प्रकाश के स्रोत, यानी कि प्रकाश के स्रोत। कौन कौन से हैं प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश के स्रोत मतलब प्रकाश कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो इस धरती पर प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। सूर्य का प्रकाश, ये इतना ज़्यादा प्रकाश है कि आप देखते हैं कि प्रकाश सूर्य का नहीं पहुँच रहा, फिर भी यहाँ पर रोशनी होता है। ये सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा तेज होता है। तो पंखा बंद कर दिए और ये सब चालू कर दिए आगे, थोड़ा कम में रखिएगा, थोड़ा ना कम में रखिएगा, एक कम कर दिया पॉइंट ताकि आपको बुझाए नहीं। तो धरती पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। इसके ये है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक माने भगवान नहीं बना, भगवान है सूर्य, हम लोग तो सूर्य को भगवान ही मानते हैं। तो ये प्राकृतिक यानी भगवान स्वयं है ये, और ये प्रकाश फैला रहे हैं धरती पे पूरा। कुछ प्रकाश के स्रोत ऐसे हैं जो इंसान ने अपने जरूरत के हिसाब से बनाया। एक समय था कि हम लोग मोमबत्ती जलाकर रहते थे, एक समय आया लालटेन और डिबिया जलाकर भी रहने का, डिबिया जानते हैं आप लोग, डिबरी होता था दिया। और बाद में हम लोग क्या किए, दिया भी बनाए, दिया पे जला के हम लोग क्या किए, लाइट का किए अपना, है ना, प्रकाश के। इसके अलावा बाद में जब जमाना बदला तो क्या आया, बल्ब आया। एडिसन साहब ने बल्ब का आविष्कार किया, ये तंतु वाला बल्ब है आपका, फिलामेंट वाला। उसके बाद सी एफ एल बल्ब आया, गैस वाला बल्ब। उसके बाद LED आ गया, LED जो भी चल रहा है, पता ना आगे क्या आने वाला है। ट्यूबलाइट भी पड़ता है, ट्यूबलाइट। ये सब इंसानों ने अपने जरूरत के हिसाब से बनाया। ये ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकाश को निकालते हैं अपने आप से, ठीक है ना, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना। ये प्रकाश के स्रोत हैं। क्या है, प्रकाश के स्रोत। किसी वस्तु को देखने का तरीका क्या होता है, कि ये सूर्य है, प्रकाश स्रोत कोई भी हो सकता है, सूर्य हो या बल्ब हो, कुछ भी हो। सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, इसे सूर्य का प्रकाश पड़ा इस पे, और तब हम इस पर से जो वस्तु का प्रकाश है तब वो वापस आता है और ये आंखों पे पड़ता है, तब ये वस्तु को हम देख पाते हैं। माने जिस वस्तु को देखना होता है, अगर प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलना बंद हो जाए, प्रकाश निकले ही नहीं, एक बार प्रकाश पड़ेगा ही नहीं, तो क्या ये वस्तु दिखाई देगा नहीं। और प्रकाश पड़ भी गया हो और वो पढ़ के वापस हमारा यहाँ पे कोई मान लें ईंटा दीवार खड़ा कर देंगे, तो क्या दिखाई देगा,
क्यों? क्योंकि प्रकाश उस पर पड़ तो रहा है परंतु हमारा वापस हमारे आंखों पे तो नहीं आ रहा है। तो जरूरी क्या है कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकले और जो ना वस्तु को देखना है वह पड़े और फिर वहां से उस आंखों पे पड़े जहां पे जिसको जिससे देखना है, तो अब जाके वो वस्तु को हम देख पाते हैं। माने प्रकाश यहां से निकला, यहां गया, तब यहां आया, तब हम देख पाते हैं, नहीं तो नहीं। अगला पॉइंट क्या है कि प्रकाश के कौन कौन से रूप हैं, प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पे बन रहा है क्या, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अंग्रेजी में कहते हैं क्या, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, छोटा मोटा प्रकाश कर रहे हैं प्रकाश, और ये छोटा मोटा स्रोत नहीं, बहुत बड़ा स्रोत है। इससे ऊर्जा निकलती है, हमको एनर्जी मिलती है। आपको पता है सूर्य के प्रकाश से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं जाए तो पौधे अपना भोजन नहीं बनाए, तो पौधा को भोजन नहीं मिलेगा तो हमको भी भोजन नहीं मिलेगा। भाई सर हमको कैसे नहीं मिलेगा, हम मछली खा लेंगे, कुछ खा लेगा। भाई कोई भी जीव खाता है तो पादप को ही ने खाया है, मुर्गा खाइएगा, मुर्गा क्या खाया है, दाना खाया, दाना कहाँ से आया, पौधा से ही आया। तो पौधा को एनर्जी मिलेगा तो उसको भी मिलेगा और उसको तो आपको भी मिलेगा, है कि नहीं। हम गाय का दूध पी लेंगे, अब ये गाय का दूध पीजिएगा, गाय क्या खाएगी, घास, जब घास होवे नहीं करेगा तो गाय खाएगी क्या, गाय खाएगी नहीं तो दूध देगी कैसे, समझने की बात है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है, प्रकाश, और प्रकाश का मेन स्रोत क्या है, ऊर्जा का मेन स्रोत प्रकाश, और प्रकाश का मेन स्रोत क्या है, सूर्य। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, प्रकाश जो होता है एक माध्यम में हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है, देखिए सीधी रेखा में। ये ट्यूबलाइट, इसका प्रयोग क्या किया गया, एक ट्यूबलाइट से देखा गया, एक पाइप से देखते हैं क्या मोमबत्ती जल रहा है तो दिखाई देता है, बट एक टेढ़ा मेढ़ा से देखा गया, ये टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा से देखा गया तो क्या दिखा गया कि प्रकाश ये दिखाई देगा आपको, नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लाइट यहाँ से चली और यहाँ पर रुक टकरा कर रुक गई। अब आँख से हम देख रहे हैं तो टेढ़ा पाइप है, दिखाई नहीं देगा कि क्या है, क्या सीधा पाइप जाएगा तो देख सकते हैं। तो इससे यह साबित होता है क्या कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करना चाहती है। जो एक माध्यम में रहेगी तो वो सीधी रेखा में ही गमन करती रहेगी, वो अपना दिशा नहीं बदलती है, सीधी रेखा में गमन करती है, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट क्या है इसका, उसका अगला गुण क्या है कि यह एक माध्यम में हमेशा सीधा, वही बात है, दूसरा नंबर पॉइंट वही बात है कि यह एक रेखा में सीधी रेखा में गमन करती है। इसको प्रयोग देखा, एक लड़का है जो सीधा पाइप से देख रहा है, मोमबत्ती को दिखाई दे रहा है, इसको दिखाई दे रहा है, और ये लड़का टेढ़ा पाइप से देख रहा था, ये मोमबत्ती जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये साबित हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा नंबर गुण क्या है कि यह निर्वात में चल सकती है, अर्थात इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो जहाँ पे कुछ नहीं होता है। और निर्वात, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है निर्वात, निर्वात का मतलब होता है जहाँ हवा भी नहीं हो, क्या हो, जहाँ कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं मतलब हवा भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो। जैसे इस रूम में कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली है, तो क्या है, हवा है, और अगर हवा भी नहीं रहेगा तब क्या कर, निर्वात है, ये क्या है, निर्वात। तो किसी रूम को बंद करके एगो हम छेद छोड़ देंगे, उनमें से सब हवा को निकाल देंगे तो क्या बनेगा वो जगह, निर्वात। तो प्रकाश को चलने के लिए कोई ज़रूरत तो पड़ेगा, कोई चीज़ कहीं में हम जाएंगे नहीं, वो बिना हवा के भी जा सकती है प्रकाश, यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आवाज़ को चलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, पता है आपको, जैसे हम बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है, अगर यहाँ से हवा निकाल देंगे तो हम जो बोलेंगे आपको सुनाई नहीं देगा। इसका अगर विश्वास नहीं है तो आप क्या कीजिए, वो कांच का वो मोटा शीशा लगा दीजिए, क्या आप कार में घुस जाइए, शीशा लगा दीजिए चारों तरफ से, सुनाई देगा, कोनो छेद होगा तो वही मैं कहते आवाज़ आएगा, वो अलग बात है, मगर जैसे बंद पूरा पैक हो जाएगा तो क्या आवाज़ आएगा बाहर का। तो यहाँ पर हम शीशा के दीवारे को लगा देंगे तो मेरा आवाज़ आपके पास जाएगा ना, आपका आवाज़ मेरे पास आएगा। तो शीशा क्या किया, शीशा क्या किया, हवा को इधर की हवा को इधर रोक दिया, उधर की हवा को उधर रोक दिया, इसलिए आवाज़ नहीं जाएगा। अच्छा एक छेद कर देंगे तो फिर आवाज़ हवा जाएगा, तो आवाज़ जाएगा। मगर क्या टॉर्च की रोशनी को रोक सकते हैं, बोलिए, टॉर्च की रोशनी को रोक दीजिएगा, शीशा लगा मोटका शीशा दीवार लगा दिया, क्या रुका जाएगा शीशा, प्रकाश तो ई पार से ऊपर जाएगा करेगा। तो प्रकाश को चलने के लिए किन माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है।
ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। एक बात और है, लगे हाथ ये भी समझ लीजिए आप कि सबसे ज्यादा प्रकाश के चाल किस में होता है, कैसे कैसे होता है। ठोस जो होता है ना, हुआ ठोस, कोई पदार्थ ठोस है तो ठोस में जो होता है कण बहुत नजदीक नजदीक होता है। क्या होता है? बहुत नजदीक नजदीक कण है ना, तो प्रकाश इसमें जाएगा ना, इसे इसे प्रकाश अगर जाए तो इसमें होगा क्या, जैसे सूर्य का प्रकाश ये जा रहा है, देखिए सूर्य का प्रकाश पीला बना लेते, ये प्रकाश जाएगा तो ये जाने में उसको दिक्कत होगा, है ना, तो ये इसमें इसका प्रकाश की चाल धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीमा। ठोस में यहाँ पर तो स्पीड रहेगा, जैसे ठोस में घुसेगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो ठोस में प्रकाश की चाल कम होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। किसमें? ठोस में। ठोस में प्रकाश की चाल क्या हो गई? बहुत कम हो गई। द्रव यानी कि पानी में तो ये जाएगी प्रकाश की चाल, तो इसमें रहेगी प्रकाश की चाल, मगर उतना ठोस से थोड़ा ज़्यादा होगी। मतलब द्रव में क्या होगा? द्रव में प्रकाश की जो चाल होगी, प्रकाश की चाल ठोस से थोड़ा ज़्यादा होगी। क्या होगी? ठोस से थोड़ा ज़्यादा होगी, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा होगा। किसे ज़्यादा होगा? ठोस से ज़्यादा होगा। और गैस में? गैस में तो बहुत दूर दूर कण है उसका, तो हवा ये प्रकाश को रोके को आराम से पार से जाएगा कोई स्पीड में, है ना, ये रोकबे नहीं करने वाला, तो आराम से हवा में प्रकाश जाएगा, तो इसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा। माने कि क्या होगा? गैस में प्रकाश की चाल जो होती है, गैस में प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा। और ये निर्वात है बुआ, ये क्या है? निर्वात। निर्वात माने क्या? जहाँ हवा भी नहीं हो, जहाँ हवा भी नहीं हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत से भी बहुत ज़्यादा, समझेगा ना, इसमें बहुत ज़्यादा होती है प्रकाश चाल, एकदम तेजी से पहाड़ गिरेगा एकदम स्पीड से। जैसे मान लो तुम, मान लो प्रकाश है, साइकिल पर सवार हो गया, साइकिल ले लिया और चल दिया रोड पर, रोड पर कोई आदमी नहीं, सुन सनाटा एकदम साइकिल गनगनैले है जा रहा है एकदम, हाँ क्या है? निर्वात है, मतलब वहाँ पे मान लो कोई चीज़ नहीं है तो फटाफट भगा रहे हो, आता ही काम दो चार को आदमी चले थे तो धीरे धीरे कर लेते हो, अब बहुत तकारो लगे लोग से पहुँचा है वही लग तो और धीरे धीरे कर लेते हो, अब पूरा खचा खचे भीड़ है तब जाओगे तो में आए, पूरा रवनाती का मेला लगा दशहरा का मेला में जाएगे उतार के, तो एकदम साइड साइड से निकालना पड़ेगा तुमको, क्या है कि नहीं है? और भी आराम से क्योंकि देहात में ठेका तो उठा के फेंक देगा मैं बाहर, साइकिलों का तोड़ो फेंक देगा, गुस्सा जाएगा, लोग भीड़ में जानवे करते क्या हो जाएगा, जिनमें झगड़ागुड़ी कर नहीं कर नहीं सकते हैं, भीड़ के होते पड़िएगा तो पिटा भी जाइएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखें क्या कि प्रकाश का जो चाल है वो किसमें ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा किसमें होता है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो कितना परीक्षा में पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, इसका 3×10^8 m/s, 3×10^8 m/s, 1 सेकेंड में 10^10 3/8 को 0 बैठा दो, उतना मीटर की स्पीड से भागेगा वो, एकदम बहुत तेज स्पीड भागेगा। तुम टॉर्च लेजर लाइट देखो, चाहे टॉर्च देखे हो, देखा टॉर्च मारेंगे खटाक से भागेगा एकदम, लेट लगता देखो बताइए, एकदम फास्ट चलता है एकदम, सूर्य का प्रकाश देखते एकदम सूर्य उगा फटाक दे प्रकाश पहुँच गया, कितने मिनट में पहुँचता है किसी को याद है? 7 से 8 मिनट लगते हैं, नहीं कितना? सूर्य से उतना दूर से आने में बड़े 8 मिनट लग रहा है, बताइए लगभग 8 मिनट में सूर्य के प्रकाश, सूर्य से प्रकाश धरती पर चलाता है 8 मिनट में मात्र, इतना तेज चलता है, समझिए बहुत फास्ट चलता है सूर्य, मतलब प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है। हाँ पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? ठोस में सबसे कम होती है ना, द्रव में थोड़ा ज़्यादा, गैस में उससे ज़्यादा, निर्वात में सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या अगला? चौथा नंबर गुण है श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, श्वेत रंग का 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये श्वेत सूर्य का जो प्रकाश होता है श्वेत होता है, क्या होता है? श्वेत, उजला रंग का, मगर वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, उसमें 7 वो रंग मिला होता है, वो है बैजानी आह पिनाला। क्या नाम है उसका? बैजानी आह पिनाला। बै माने होता है बैगनी, क्या होता है? बैगनी।
जा माने जामुनी, नी माने नीला, ह माने हरा, पी माने पीला, ना माने नारंगी, ला माने लाल। ठीक है ना, याद रहेगा। बोली सवानी, ब माने जा माने नी माने ह माने पी ना नारंगी, ला माने। ये सात रंग हो गए। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात रंगों का। यानी सूरज का जो रोशनी देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि क्या भाई सूरज की रोशनी एकदम व्हाइट आ रहा है, व्हाइट नहीं है, उस श्वेत रंग में उजला रंग का प्रकाश लग रहा है ना आपको सूरज की रोशनी, ये सात रंग का मिश्रण है। कितना रंग का? सात। उस रंग में सात रंग मिला हुआ है, एक दो नहीं सात रंग है ना। तो ये सात रंग से जब आप देखते हैं इंद्रधनुष कभी देखे हो आसमान में पंचसुखा इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हैं वो, तो सात रंग दिखाई देता हुआ है ना, इसको आप देख भी सकते हैं। ये प्रिज्म है, क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है डोम्स का मेटो देखे ऐसा तिनकुनिया वैसे नहीं रहता है ना, उसके तीन साइड है ट्रायंगल, इधर ट्रायंगल एक ट्रायंगल देखिए एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल नीचे तीन ट्रायंगल, इधर साइड से भी ट्रायंगल चार, उधर से पांच गो ट्रायंगल रहता है, पांच गो त्रिभुज ऐसे मिला दीजिएगा ना, नहीं ये आयत नीचे भी आयत तीन गो आयत आगे त्रिभुज ऐसे बनेगा, मतलब ऐसा बनेगा। ये कैसा रहेगा आपको दिखा देते हैं, दिखा देते हैं, अपने पास सिस्टम है तो दिखा देते हैं। एमें क्या है? एक दो तीन चार एक है ना, एमें क्या बोले हैं? हाँ यहाँ पर तो है ही, तो एक इधर हो गया सामने, एक वो पीछे होगा, दो हो गया इधर से, एक वो तीन गो, एक उन्ने हुआ चार गो, अने नीचे होगा पाँच गो, पाँच फलक होते हैं इसमें, कितने होता है? तो जब सूरज श्वेत रंग गया है, जैसे इसमें क्या किया है, एक एक कूट ले लिया है, क्या लिया है? कूट। और सूरज की रोशनी को निकाला, कौन? सूरज की रोशनी को यहाँ से निकाला, ये सूरज भगवान की रोशनी यहाँ आया कूट में है न गया, क्या कौन रंग का है? श्वेत रंग। क्या कहते हैं? श्वेत। व्हाइट को कहते हैं श्वेत, श्वेत रंग का निकला प्रकाश। और जब यहाँ पे गया तो सबसे पहले यहाँ पे होगा, सबसे कम कौन झुकेगा? तो लाल रंग जो बनेगा, लाल रंग, लाल कौन? लाल, लाल सबसे कम झुकेगा, सबसे ऊपर कौन होगा? लाल। उसके बाद होगा बैगनी, क्या होगा? बैगनी, यानी ये आपका नारंगी रंग का, इसके नीचे होगा नारंगी, ये नारंगी रंग का होगा, ठीक है। उसके बाद जो होगा आपका बैज, यहाँ से लाल, नीला, नारंगी, पीला, तो होगा आपका पीला। ऊपर देखिए, ध्यान रखिएगा ये सब, ये आपको हम दिखाने के लिए पेंटिंग नहीं बना रहे हैं, समझाने के लिए। तब कौन रंग होगा? पीला। नारंगी के बाद कौन होगा? पीला। उसके बाद होगा आपका आपका हरा, तब हरा रंग आएगा आपका, हरा, ये हरा रंग। एक दो तीन चार हो गया, पीला कलर कौन हो गया? हरा, ठीक है। हरा कलर कौन होगा? नीला, नीला रंग होगा आपका नीला, नीला कौन हो गया? नीला, नीला। इसका कौन होगा? जामुनी, जामुनी यानी पर्पल कलर होगा आपका जामुनी, ये जामुनी कलर होगा यहाँ पे जामुनी। उसका बैगनी कलर होगा, कौन कलर होगा? बैगनी, बैगनी कलर तो यही है दिखाई दे रहा लास्ट में, है ना, इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। सबसे ऊपर कौन होगा? लाल, याद रखिए सबसे ऊपर होगा लाल, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है देखिए ध्यान से समझिए इसको। श्वेत निकला ना इधर से, कौन रोशनी गया इधर से? श्वेत रंग गया, कौन रंग गया? श्वेत। उजला रंग गया इधर से, तो सबसे ऊपर कौन रहेगा? झुके देखो, ये प्रिज्म से जैसे गुजरेगा ना, देखो पहले हम पूरा चित्र बनाते हैं, ये प्रिज्म है देखो, तो ये सूर्य का प्रकाश गया व्हाइट, कौन गया? व्हाइट, व्हाइट गया। तो ये झुकाव जो होगा ना, सबसे ज्यादा झुकाव, सबसे ज्यादा कौन झुकेगा? सबसे ज्यादा झुकेगा बैगनी, कौन ज्यादा झुकेगा? बैगनी। परेशाने को रख देगा मगर ना, पढ़ने को रुकिए हुआ, याद कर लीजिएगा।
तो सूर्य का जो प्रकाश है श्वेत, वो सात रंगों से मिलकर बना होता है। बैजानी ह पीनाला, ब से बै से बैजनी, जा से जामनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। अब यहाँ पे देखना क्या है कि सबसे ज्यादा कौन झुका है, तो सबसे ज्यादा झुका है बैगनी। बैगनी कलर क्यों झुका है, क्योंकि उसका तरंगदैर सबसे कम होता है, माने कह दे कि उसका ताकत कम होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा झुक गया बैगनी। और लाल जो देख रहे हैं, लाल वो सबसे कम झुका है, क्यों, क्योंकि उसका तरंगदैर सबसे ज्यादा है, जिसको पास ताकत ज्यादा होता है ना वो कम झुकता है। तो लाल रंग देख रहे हैं, लाल रंग का तरंगदैर सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबसे कम झुका हुआ है। तो आपसे पूछेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा श्वेत रंग का प्रकाश का सात रंगों में विभक्त हो जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत रंग के प्रकाश का सात रंगों में विभक्त हो जाना, यानी बंट जाना, विभक्त माने क्या, बंट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है, याद रखिएगा। और वर्ण विक्षेपण जब होता है तो सूर्य के प्रकाश में जो सात रंग होते हैं उसका जब वर्ण विक्षेपण कराते हैं तो सबसे ज्यादा झुकाव किस रंग का होता है, बैगनी का होता है। सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का क्यों होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो फिर ये प्रश्न पूछा, वर्ण विक्षेपण में सबसे कम झुकाव किसका होता है, लाल का होता है, सबसे कम झुकाव लाल, लाल का सबसे कम झुकाव क्यों होता है, हाँ क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्ध्य माने क्या, प्रकाश का ताकत, प्रकाश के ताकत को ही, जितना तरंगदैर्ध्य होगा उतने ताकत होगा, उतने कम झुकेगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ट्रैफिक जो होता है ना, रेलवे ट्रैफिक, उसका रंग नहीं, रेलवे का जो सिग्नल होता है वो कैसे रंगता है, लाल, ताकि दूर तक दिखाई दे। सात रंग है ना, इस सात रंग को आप देखते जाइए और दूर भागते जाइए, आप माने आपको कहेंगे पीछे तरफ चलते जाइए और सात रंग देखते रहिए, सबसे पहले जानते कौन रंग गायब होगा आपका, बैगनी सबसे पहले गायब होगा, मरी मार मारेंगे, बैगनी का पार कम होता है, बैगनी पहले कम दिखाई देना बंद हो जाएगा आपका, जैसे जो उसके बाद जो नीचे है सबसे पहले आपका बैगनी दिखाई बंद, सात को रंग रख देंगे ना एकदम, आप देख सकते हैं सात को रंग रख देंगे लाइन से और दूर कहीं जाओ तो सबसे पहले बैगनी रंग का दिखाई देना बंद हो जाएगा आपका, उसके बाद जामनी दिखाई बंद हो जाएगा, फिर नीला नहीं दिखाई देगा आपको, हरा दिखाई नहीं देगा आपको, और दूर भागिएगा तो पीला दिखाई देते देते पीला दिखाई नहीं देगा, फिर कहा बोले कौन रंग दिखाई दे रहा तुमको, तो कहो सर दूर रंग है, वो नारंगी है, वो लाल, और दूर जाओ, जाते जाते सर आपको दिखाई दे रहा है, सर आप जो है ना लाल दिखाई दे रहा है, नारंगी नहीं दिखाई दे रहा है, लास्ट में खाली लाल दिखाई दे रहा है, और जब वो दूर चल जाएगा सबसे दूर तो लाल हो गया, हो जाएगा लाल दिखाई नहीं देगा, जैसे जैसे तू उधर से आएगा दूर से कौन देगा रंग दिखाई दिया तुमको, सर लाल दिखाई दे रहा है, और आओ नजदीक, और दो नजदीक आएगा सर दिखाई दिया नारंगी भी दिखाई दे रहा है, और नजदीक आओ तो कहा सर पीला दिखाई दे रहा है, ऐसे करते 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 आप नजदीक आओगे तो सब रंग दिखाई देने लगेगा तुमको, तो कौन ज्यादा दूर तक दिखाई दे रहा है, इसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, किसका, लाल का। तो इसीलिए ट्रैफिक का जो सिग्नल होता है, रुकने वाला ट्रैफिक, ट्रैफिक में सिग्नल होता है ना, रेलवे सड़क का जो ट्रैफिक होता है उसमें कितने रंग होते हैं, तीन रंग, लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग। लाल बत्ती क्या कहता है, रुको, रुकने के लिए होता है कि नहीं, तो रुकता है। आपके गाड़ी का जो ब्रेक लाइट होता है वो कैसा होता है, कहा लगी फटाक से दूरों आदमी को दिखाई दे लाल बड़ा, बस रुक जाओ भाई आगे हम ब्रेक मारे हैं, रुको। आपके साइकिल के पीछे का लाल रंग लगा रहता है, देखते हैं रिफ्लेक्टर, कहा लगी, ताकि गाड़ी पीछे से आएगा तो कौन ठोक देगा नड़िया में, तब क्या कीजिएगा, तो लड़का बड़ी रहेगा, जैसे कोई बाइक वाला चाहे कार वाला आएगा तो लाइट लाल लाल बढ़ेगा आपका साइकिल के पीछे, वो लड़का बहुत जोरी होता है, लगा लीजिए अंधेरा आप निकलते हैं तो वो नहीं रहेगा, तो कोई आदमी आएगा ठोक देगा आपको, दिखाई नहीं दिया ठोक देगा, मान लिया अंजाने में ठेका गया, और वो दूर से दिखाई देगा कार वाला को कि वहाँ पे साइकिल कौन है, लाल कौन गाड़ी है, तो मोटरसाइकिल में तो बत्ती रहता जल जाता है, साइकिल में कौन बत्ती जलाएगा, तो उसका वही रिफ्लेक्टर रहता है लाल रंग का, समझ गए, तो साइकिल के पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे, ब्रेक लाइट में, चाहे कोनो गाड़ी के पीछे लाल रंग का रहेगा ब्रेकर, ब्रेक लाइट, क्यों, क्योंकि दूर तक दिखाई दे उसको, दूसरे रंग का नहीं बनाएगा वो, लाल रंग के बनाता है ताकि दूर तक वो दिखाई दे। रेलवे का जो सिग्नल, रेल दूरे है तभी दिखाई दे, लाल रंग का बना हुआ वहाँ रुकना है स्टेशन पे, है ना, लाल झंडी दिखाई दे तभी ट्रेन रुकेगा क्योंकि लाल दूर तक दिखाई देता है। देखिएगा नियम, देखिएगा और देखिए मोबाइल का टावर, देखे हैं मोबाइल के टावर को देख कर गौर से देखिएगा, रात को लाइट देखिएगा, वो में मोबाइल के टावर में लाल रंग का जलता रहेगा बल्ब, वो सिग्नल है, वो लाल रंग का होता है, जितना भी सिग्नल सब होता है सब लाल रंग का होता है, क्यों, क्योंकि लाल रंग का सिग्नल जो है ना बहुत दूर तक होता है, इसलिए लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए, लाल रंग का कपड़ा पहन के ज़्यादा बाहर भीतर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि सांड को ज़्यादा लाल रंग का पसंद होता है, जिस दिन सांड देख लिया लाल रंग का देख पहन लिया तो पीछा नहीं छोड़ेगा, बड़ी बड़ी मार मारेगा एकदम,
सांड से, सांड और कुत्ता जितना भी जानवर होता है ना उसको लाल रंग ज़्यादा दिखाई दे, ज़्यादा वो मतलब पसंद करता है और उस आदमी से बहुत गुस्सा आता है उसको बहुत तुरंत है। कुत्ता भी काटने में लाल रंग का हो जाएगा और स्पीच में घर में पानी है, पानी है पार्टी में पानी है, मगर ज़्यादा पान के उधर घूमिए मत, लाल रंग से परहेज कीजिए। लाल जो होता है खतरे का निशान होता है, सूचक है वो, लाल खतरे का सूचक है, पता है कि नहीं पता है? डेंजर, सिंबल ऑफ डेंजर, डेंजर का प्रतीक है वो, इसलिए उसको लाल रंग कम से कम पहनिए, है ना, क्योंकि वो बहुत दूर तक उसका तरंग दर होता है, बहुत लोगों को आँखों में चुभता है वो चीज़, समझिए ना, इसलिए लाल रंग ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं पहनी, हम भी पहने हुए हैं मैरून कलर का, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पहनेंगे, ऐसी बात थोड़ी ना है, बाहर ज़्यादा नहीं निकलेंगे। सांड बोले ना, सांड जो होता है ना, सांड वो लाल रंग वाला को तो ढूंढता रहता है, जहाँ सांड छोटा छांड मिला उतना पीछे, तो जहाँ जहाँ जाइएगा वहाँ वहाँ पकड़ेगा वो, सांड पीछे पड़ा हुआ लाल रंग का कपड़ा पहले खोल कर दीजिए, जो चीज़ उठना उठी रख दीजिए, ना जरूरी है भागे हो गया, वो कपड़ा दिखेगा तो ऐसा कपड़ा तो जल्दी नहीं दौड़ेगा, लाल के पीछे ज़्यादा भागता है, उसको चुभता है आँखों में ज़्यादा। चलिए अब है प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी वस्तु को रखने पर क्या होता है। तो जब प्रकाश कोई चल रहा है और उसके बीच में हम रख देते हैं अपारदर्शी वस्तु को तो क्या बनता है? छाया। क्या बनता है? छाया। जैसे लाइट उधर से पड़ रहा है, हम यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पीछे क्या बनेगा? हमें छाया बन जाएगा, है ना। देखिए ये प्रकाश स्रोत है, क्या है? प्रकाश स्रोत, सूर्य है, और ये लेडीज यहाँ पे खड़ी है ना, तो यहाँ पे क्या बन गया? इसका छाया बन गया। देखिए ये छाया है, इसका शैडो है ना, छाया बन गया। ये प्रकाश, अगर ये प्रकाश इधर से होता तो क्या छाया उधर बनता है, और सामने आ जाएगा तो क्या होगा? एकदम छोटा बनेगा बीच में, जितना दूर जाएगा सूर्य उधर या जितना ही दूर जाएगा उतना लंबा छाया बनते जाएगा, नहीं? अब देखिए छाई तो आप बचपन से देखे होइएगा, कभी कभी बचपन में डरे भी हो जाएगा छाई से, अपने छाई देख कर डर जाता है बच्चा, ये इतना लड़का कैसे हो गया, इतना लड़का हम हो गए कैसे, है ना। तो ये छाया होती है, क्या होती है? छाया। छाया किसे कहते हैं? तो प्रकाश के पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो उससे जो काले रंग का क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। अगला पॉइंट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, कितना? 3×10⁸ मीटर/सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, ये याद रखिएगा। कोई पूछा निर्वात किसे कहते हैं, तो घर से बताए निर्वात का मतलब क्या? जहां हवा भी नहीं, उसे क्या कहते हैं? अब है प्रकाश के पथ में दर्पण या चिकनी वस्तु को रखने पर प्रकाश मुड़ जाती है, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी भी चिकनी वस्तु पर या दर्पण पे पड़ती है या चमकीली वस्तु पे पड़ती है तो वहां से प्रकाश उसी दिशा में उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो सब से सुनेंगे, जितना पॉइंट पढ़ा रहे हैं ये सारा पॉइंट सुनेंगे और लिखवाएंगे, उस समय फिर आप लोग कहिएगा कितना मजा आ रहा है सुनने में, कितना सारे सुन रहे हैं, और यही चीज़ आपसे पूछते हैं तो पता लगता है कि हम प्राण आपका ले रहे हैं, किडनी ले रहे हैं आपका। देखिए तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन ये समझ लीजिए ध्यान से, आपको प्रकाश का परावर्तन ये कोई चिकनी सतह है, प्लास्टिक का है या कांच का है, चिकना सतह है ये होता है, इसको रंगते दर्पण बनता है। दर्पण समझते हैं आप लोग, दर्पण का मतलब होता है आईना। क्या होता है? आईना। आईना कैसे बनता है जानते हैं? शीशा के एक तरफ से रंग दीजिएगा तो क्या बन जाएगा वो? आईना। कोनो शीशा के चाहे कांच के आप एक तरफ से रंग दीजिए तो क्या बनेगा? आईना। अब दो तरफ से खाली है तो बेचारा आई पार से ऊपर दिखाई दे रहा था, आपका चेहरा कम दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, है ना। और जैसे ही एक तरफ से मुनिएगा तो आपका चेहरा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो शीशा के एक तरफ से रंगना पड़ता है, आप आईना को भी फूटा हुआ देखिएगा एक तरफ से रंगल होगा, रंगला था कि नहीं रंगलता? तो चित्र में हम कैसे बनाएंगे? तो चित्र में बनाते हैं ऐसे, एक चित्र बना दिए और उसमें क्या किए, इसको रंग दिए, क्या हो गया? ये आईना। इसको हम लोग आईना नहीं बोलते हैं, विज्ञान में क्या बोलते हैं इसको? दर्पण। दर्पण है। अब दर्पण में क्या है, जब दर्पण पर या कोई भी चिकना सतह पर या कोई पदार्थ पड़ेगा, प्रकाश की किरण, मान लीजिए प्रकाश की किरण पड़ा, आया तो आया, फिर वापस उसी में लौट जाएगा, उसी जिधर से आया उधर को ही लौट जाएगा, उसी उधर को नहीं माना उसी माध्यम में लौट जाएगा। जब प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से निकल कर दर्पण पर पड़ती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन
ऑफ लाइट। अब प्रकाश इसी माध्यम में मुड़ जाता है। अब इसके दो नियम बनते हैं, कितने नियम बनते हैं, दो नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन नियम है, नियम को पढ़िए। पहला क्या है, आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, जो आया है प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। आ जो प्रकाश टकरा कर गया है उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। आज जहां पे परा है जो प्रकाश किरण है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। याद करते जाइएगा, सब पूछेंगे। और इस पे जो हम लंब डालते हैं, एक लंब डाल देते हैं इस पे, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अभिलंब कहलाता है, क्या कहलाता है, इसके जो बीच का जो बना हुआ कोण है ये कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो बना है कोण उसे कहते हैं आपतन कोण, क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बना है कोण, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन। इसको आने वाला कोण कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसलिए कहते हैं कोण आई। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए कहते हैं कोण आर, शॉर्ट में कहते हैं कोण आर, क्या कहते हैं, कोण आर। तो आपको इतना चीज याद होना चाहिए, ये क्या है, दर्पण है। कौन दर्पण है, समतल दर्पण, क्या है, समतल दर्पण। ये प्रकाश की किरण आई है तो क्या हो गया, आपतित किरण, और ये गई है तो क्या हो गया, परावर्तित किरण। और जहां पर बिंदु पे पड़ा उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। और जो उसी आपतन बिंदु पे वो लंब डाल देंगे तो क्या होगा, अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना उसे क्या कहेंगे, आपतन। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना उसे क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। तो इसका सबसे पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, दो नियम क्या होता है, पहला नियम, नियम नंबर एक क्या होता है, नियम नंबर एक, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ध्यान रखिएगा। हम एकदम लिख के समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको लिखने आना चाहिए। देखिए अभी प्रकाश के, प्रकाश के परावर्तन के, क्या, परावर्तन के दो नियम होते हैं, बहुत पुस्ता है, दो नियम होते हैं, इसे आप लिखे हुए हैं, है ना। पहला नियम होता है नियम नंबर एक, नियम नंबर एक क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब ये जो कोण है आपतन कोण, ये और ये परावर्तन कोण है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी आप यहां भी देख सकते हैं, ये कोण जो है आपतन कोण है, क्या है, आपतन कोण, और ये क्या है, परावर्तन कोण, दोनों क्या है, बराबर है, थीटा थीटा है ना, दोनों बराबर है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो हम यही लिखेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है भाई, तो परावर्तन कोण के, क्या, परावर्तन कोण के, कोण के बराबर होता है। और इसी को हम लोग लिखते हैं, क्या, ये आप सबसे लिखवाएंगे, इसीलिए हम लिख के दिखा रहे हैं, ये लिखा हुआ है ना आपके कॉपी में, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, हम क्यों लिख रहे हैं, बेवकूफ़ नहीं है, इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुमको ये दिमाग में आए कि ये सब हमको भी लिखने आना चाहिए। सर लिख रहे हैं मतलब हमको भी लिखने आना चाहिए, सब कुछ जितना भी चीज़ हम बता रहे हैं ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, अब तुम बता सकते हो, इतना काबिलियत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। हाँ, अब ये नहीं है कि हमारे जैसे ही, हमसे अच्छा भी बता सकते हो, हो सकता है हमसे बुरा भी बता सकते हो, मैं बताने सबको आना चाहिए सब कुछ। तो प्रकाश के अब दो नियम होते हैं, सॉरी पहला नियम क्या हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो कोण आई बराबर होता है कोण आर, इसी को लिखते हैं हम लोग, कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये क्या है, आपतन कोण, ये क्या है, परावर्तन। दूसरा नंबर नियम नंबर टू क्या कहता है, नियम नंबर टू कहता है कि आपतन कोण, नहीं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ध्यान दीजिएगा तीन चीजें,
क्या बोलो? आपतित किरण, मेरे साथ बोलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। क्या बोलो? आपतित किरण, जब लिखवाएंगे ना देखिएगा, इनमें से दो तीन को बचा पाते रहे, बाकी सबको बहुत मार मारेंगे। अभी क्या करेगा ओकरा भैया कि आपतन कौन आई, दोनों एक ही लेखन है, आई में कहीं में घुसा देगा, आई में कोई में घुसा देगा, आयो को प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएंगे अपवर्तन, वही में घुसा देगा, आई में घुसा देगा, वो में बोला था और थून आता है बढ़िया से एकदम। अभी तो कितना लग रहा है? हाँ ठीक है, जब हम लिखवाएंगे तब समझ में आएगा क्या अलग। घर जाके खूब प्रैक्टिस कर लिया लिखने खुने का, मुझबानी लिखने का प्रैक्टिस खूब कर लीजिएगा। बोलिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीन को चीज है, कथी कथी है, एक है आपतित किरण, एक परावर्तित किरण, एक अभिलंब, है ना? अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? यही दोनों नियम होता है, ठीक है ना? ये दोनों नियम को याद रखना, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, लिखना है। और पांच नंबर में पूछेगा तो आप इसका चित्र भी ऐसे बनाइएगा ये, और दो नंबर में पूछेगा तो खाली आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? और ये तो एक नंबर ये पूछवे करता है क्या, देखा आपतन कोण परावर्तन कोण के डैश होता है, या ऐसे लिख दे आपतन कोण डैश के बराबर होता है, ऐसे पूछा था, डैश कोण, डैश कोण के बराबर होता है, घुमा फिरा के पूछा, ये तो आईबे करता है, वो तो ऑब्जेक्टिव में कोई ऑब्जेक्टिव का कोई रोके नहीं है, कहीं भी गुजरा था कोई भी। चले तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग प्रदीप्त वस्तु और आदीप्त वस्तु क्या होता है। क्या बोले है? कौन पॉइंट छूट गया? यही ना है आठ नंबर पॉइंट, तो यही है ना आठ नंबर पॉइंट, कथी था कथी बोलिए लाइव बता दे कथी आठ नंबर पॉइंट, प्रकाश के माध्यम से समझ जाता है तो अभिलंब को जो वो पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ाएंगे। अभी कल एक वार्ड पढ़े चले, अभी पढ़ाओ तो गिल्ला तो जाओ। देखिए अगला पॉइंट है, एक पॉइंट जो छोटा है वो प्रकाश का अपवर्तन है जो हम लोग पढ़ेंगे अगला, तो उसमें आ जाएगा वो। देखिए अगला पॉइंट क्या है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, ये दो वस्तुओं को ध्यान से समझिए। पहला क्या है? प्रदीप्त, और दूसरा क्या है? अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं कैसा होता है, तो प्रदीप्त के बारे में क्या लिखा है, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है मतलब अपने आप से प्रकाश को निकालती है, उसे क्या कहते हैं? कौन अपने आप में से प्रकाश को निकलता है? हमरा में से प्रकाश निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा, हम नहीं हैं। क्या है? सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, मोमबत्ती से, दीपक से, टॉर्च से, ट्यूबलाइट से, बल्ब से, क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है, उसके अंदर से प्रकाश निकल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है? वैसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे हमसे प्रकाश निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो हम अप्रदीप्त वस्तु हैं। क्या ये किताब से प्रकाश निकल रहा है? अप्रदीप्त वस्तु है। क्या कुर्सी से प्रकाश निकल रहा है?
अप्रदीप्त वस्तु है। ये टेबल से डेस्क बेंच से नहीं निकल रहा, ईटा से प्रकाश निकल रहा है, ईटा से प्रकाश निकलेगा नहीं निकलेगा, ये सब अप्रदीप्त वस्तु है। क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ये मार्कर क्या है? ट्यूबलाइट क्या है? पंखा, मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, सूर्य जिससे प्रकाश निकलता हो प्रदीप, जो ना प्रकाश नहीं निकलता हो ग्लास, ठीक है, छड़ी, तो इससे प्रकाश निकलता नहीं, मैं प्रकाश दिखाता है लोगों को, जरूरी है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? किरण किसे कहते हैं? देखिए प्रकाश जो निकलती है ना, प्रकाश की जो पथ होती है ना, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? या ऐसे कह सकते हैं, प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश जो होता है ना, एक झुंड में निकलता है, एकदम झुंड होता है उसका, मगर उस झुंड झुंड को अगर चीर चीर के देखा जाए ना, तो ऐसा किरण होता है। क्या होता है? किरण, ऐसा किरण है, प्रकाश की किरणें आ रही है। क्या आ रही है? तो प्रकाश की किरणें आ रही, गिन ले बका के, एगो किरण दो किरण गिनाता है का? वो झुंड में आता है ना, मगर अगर देखा जाए तो वो किरण होगा ना उसमें, तो प्रकाश के, प्रकाश के पथ, प्रकाश जिस पथ पे चलते हैं उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। देखिए ऐ में एक गो दो गो तीन गो चार गो पांच गो किरण मिल गया, समूह बना के चल दिया, क्या हो गया? किरण पुंज। क्या हो गया? किरण पुंज। इतना ना घना घना मिल रहा था, एगो टॉर्च मारते कई गो निकलता है, हजारों के लाखों के मात्रा में निकलता है एगो टॉर्च में। आपको ऐसा कोनो एगो ना निकलता हुआ किरण, तो होता है ना लेजर लाइट, जिनमें एगो किरण निकलता है, एगो सिंगल, तो ओहमें एगो नहीं निकलता, वह मोट मोट निकलता है, वह 10-12 गो मिल ले रहता, बताता कि एगो है, मगर ओहू में रहता है कै गो, समझ गया ना? तो यह है प्रकाश पुंज, ठीक है ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या है? अब है प्रकाश पुंज, समझ में आ गया? प्रकाश पुंज जो होता है ना, हाँ, किरण पुंज, किरण पुंज जो होता है, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? तीन प्रकार के, दो प्रकार के, दो, एक अपसारी, अभिसारी और एक समतल, तीन प्रकार के किरण पुंज, हाँ, समांतर, तीन तरह के किरण पुंज होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। एक होते हैं क्या? पहला होता है अपसारी। क्या होता है? अपसारी। अपसारी किरण पुंज, देखिए मतलब पहले ये समझ लिए, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समतल। क्या कहते बोलिए मेरे साथ? अपसारी। अब बात आती है कि भैया अपसारी क्या है, अभिसारी क्या है और समतल क्या है, बारी बारी से देखते हैं उसको। चलिए तो पहला पढ़ने जा रहे हैं अपसारी किरण पुंज। ये क्या होता है? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक ही किरण से, प्रकाश की एक किरण एक बिंदु स्रोत से निकल कर चारों तरफ फैलती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। जैसे देखिए एक प्रकाश का स्रोत है, इधर किरण निकल रहा है, निकल गया, इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, चारों तरफ निकल रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? माने एक स्रोत से निकलता है, निकल रहा है, सब निकल रहा है, घुस रहा है, बताइए निकल रहा है सब कहाँ से? यहाँ से निकल रहा है। तो जब एक बिंदु से निकलेगा, एक प्रकाश स्रोत से निकलेगा, तो क्या कहेंगे? तो एक प्रकाश स्रोत से या एक बिंदु से निकलने वाले प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब क्या पढ़ने आ रहे हैं? अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि एक बिंदु है, यहीं पर प्रकाश आ रहा है, ये भी आया, ये भी आया, ये आओ और यो आओ, सब आओ अही लग, वो क्या कहेंगे? अभिसारी, आओ आओ, अभिसारी हो गया, ठीक है ना? उसमें दूसरा था, वहीं में से निकल रहा था, देखो वहीं में से निकल रहा है, देखो निकल रहा है क्या निकल रहा है? इसमें क्या है? एक के बिंदुआ पर सब प्रकाश आ रहा है, तो क्या हो गया? अभिसारी। और तीसरा क्या है? समतल। क्या है? समतल, समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी समांतर किरण पुंज। अपसारी भी है मतलब निकल भी रहा है और समांतर भी है, तो अपसारी हटा के समांतर, समांतर पुंज भी कह सकते हो, समांतर किरण पुंज भी कह सकते हो। इसमें होता क्या है
कि प्रकाश ऐसे निकल रहा है, ऐसे सीधा ऐसे निकल रहा है समांतर रूप में, ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो फिर से समझ लो, तीनों को समझ लो, अभिसारी, अपसारी और समांतर। देखो देखो फिर समझ लो, तुम ही लोग बता देना, ठीक है ना। ये एक बिंदु है जिसे प्रकाश चारों तरफ निकल रहा है, बताइए क्या होगा? निकल रहा है अपसारी, क्या है अप माने बाहर, अपसारी। एक प्रकाश पुंज है जिसमें प्रकाश की किरणें उस जगह पे सब आ रहा है, वो क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी। एक प्रकाश की पुंज है जो ऐसे समांतर निकल रहा है, पैरेलल, क्या कहलाएगा? समांतर, ठीक है, कोई दिक्कत? सब एक किरण पुंज होगा, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, दो बातें समझना। चलिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पारदर्शी और अपारदर्शी, पढ़ते आ रहे हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं? करा क्या? वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, यानी आर पार हो जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, अब टॉर्च मारेंगे अभी पार से वो पार आराम से निकल गया, क्या पानियों में मारेंगे टॉर्च तो अभी पार से वो पार, कांच का टुकड़ा है वही पार से वो पार, अब रंगल का रहेगा तो वापस मार देगा बैग, वो अलग बात है, वही पार से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा कांच में। तो ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। मान लो तू बीच में आ गया तो अब अभी पार से ऊपर जाएगा प्रकाश, दीवार के पार से ऊपर जाएगा? तो ये सब पारदर्शी हुआ होता है जिसके अभी पार से ऊपर प्रकाश जा सके, और तुमको हम पढ़ा दिए वैसा मैंने वैसा माध्यम जिससे वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अई पार से ऊपर जाता है, तो लिखना अई पार से ओ पार जाता हो ना, तो लिखा था हम लिखाएं एक जैसा दिखने वाला काम, देखने में एक जैसा काम अलग अलग, अलग। तो भी लिखा देखने में एक जैसा काम अलग अलग, बताओ हम तुमको पढ़ाए समझाने के लिखा दिए तो वही परिभाषा लिख दिया, बड़ी मैं मारेंगे समझाने के लिए परिभाषा यहाँ लिखा ना, ये याद करो ना, हम तुमको समझा रहे हैं सरल भाषा में ताकि तुमको समझ में आ जाए, ताकि तुमको याद करने में सुविधा हो, और तू वही सुविधे वाला लेके याद करके लिख लेगा, थोड़ी ना होता है। जब वैसा होता है तो पढ़वे नहीं करता कोई बच्चा, तो गाँव देहात में सुन लेता जो ना से प्रकाश अभी पार से ऊपर जा ले करे पारदर्शी, ठीक है समझेला ठीक हो, कहेला ठीक हो, बोलेला ठीक हो, परंतु लिखेला ठीक ना, लिखेला ही है जो वैसे रहती तो समझाए तो खाली काम करते हो, चल समझ गए लिखा भी जरूरत ही ना पड़ती, ठीक है समझ में आ गया। देखिए वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार हो जा सकता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ देखिए क्या कहा, वैसा पदार्थ देखिए हम बताते हैं पहले इसको देखते हैं क्या कहा, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार ना हो सके, आर पार ना हो सके, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे ईंट, ईंटा कई पार ऊपर जाएगा? लकड़ी का बोटा कई पार से ऊपर नहीं जाएगा? लोहा कई पार जाएगा प्रकाश ऊपर? टॉर्च मारिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है तो पारदर्शी, नहीं जा रहा है तो अपारदर्शी, सीधी बात। अब रुमाल, रुमाल कई पार से मारेंगे इतना मोटा कर दिए, अगर टॉर्च मारेंगे वही फट जाएगा? नहीं जाएगा, तो क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया, है ना। इसी को एक अब एक वचन है और क्या है? पारभाषी। क्या है? जौना से होकर वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश कम मात्रा में पार हो उसे क्या कहते हैं? पारभाषी। क्या कहते हैं? पारभाषी। टकटका जा टकटका न जाए, जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, कोई कागज में तेल का भिगा दो वही में प्रकाश मारोगे तो पार ऊपर जाएगा तो कम जाएगा, घिसा हुआ कागज कोई कांच को घिस दोगे तो पूरा प्रकाश तो नहीं जाएगा टकटका जाएगा। अब देखो अब ये है रुमाल है, एक हम क्या करेंगे खोल देंगे इसे एकदम पतला कर देंगे, अब कहेंगे प्रकाश टॉर्च मारेंगे तो जाएगा कि नहीं? देखो अभी हम ऐसे अगर जा नहीं रहा था दिखाई दे रहा उधर, देखो दिखाई दे रहा है हमको सब कुछ, तुम सब भी दिखाई दे रहे हो मैं कम, हम दिखाई दे रहे हैं नहीं, तो तुम दूर हो इसीलिए तो आँख पर ना रख देंगे तो दिखाई देगा, ऐसे करोगे तो ठीक है ना, दिखाई देगा वहाँ पे, क्यों? क्योंकि तो आँख नहीं, अभी दूर है इसे दिखाई नहीं, तो कहने का मतलब कि इसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश ऊपर से ऊपर जा सकता है, इसको कहेंगे पारभाषी। क्या कहेंगे? बट इसी को मोड़ का मोटा माध्यम कर दिए तो ये अपारदर्शी बन गया, क्या बन गया? अब इसमें ज़्यादा देखो घना घना पूरा गैप सब बंद हो गया इसका, अब हो गया अपारदर्शी, ठीक है ना, समझ। अब तू ना लिखना है कि रुमाल को इसे फैला देंगे तो इसे एग्जाम्पल समझाए हैं समझने के लिए सब होता है,
तू जो इसे लिखे रहता है एकदम, लिखने के लिए सब हम लिखा दिए, जो जो लिखने के लिए चाहिए वो लिखा दिए। आँख का पलक भी परिभाषी होता है, आँख के पलक जो होता है ऐसे बंद करोगे ना तो ये दिखाई देगा कि रोशनी है कि नहीं है, ऐसे तुम ऐसे आँख बंद कर लो और लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा तुम बता सकते हो, अगर लाइट जल रहा है तो लाइट बंद करो तो हम बता देंगे लाइट बंद किए हो, अंधेरा जाएगा तो क्योंकि आँख के पलक से भी थोड़ा थोड़ा दिखाई हल्का हल्का देता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए दिए आपको। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं फिर से समझ लीजिए, परिभाषा अगर लिखना हो कि प्रकाश के परावर्तन कहते किसे, नियम बाद में बताइएगा, पहले कहते किसे वो बता दीजिए भैया। तो हमको हम सिंपली बताएंगे, क्या बताएंगे कि प्रकाश की, प्रकाश का दर्पण से या परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर समझ लीजिए, किसका, प्रकाश का किससे टकराकर, दर्पण से या परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या एक और परिभाषा है, क्या परिभाषा है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई वस्तु से टकरा जाए, कोई जरूरी नहीं कि आईना ही हो, अगर गिलास पर ही हम टॉर्च बारे और वो प्रकाश की किरण टॉर्च बारे फिर वहीं कार्य वापस चल आएगा तो हम समझ आएंगे कि क्या हुआ है, प्रकाश का परावर्तन हुआ। अब बताइए आप ही लोग बताइए, क्या गिलास पर हम ऐसे टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश अही पार से ऊपर जाएगा कि अही पर वापस से चलाएगा, तो इन्हें हम मारे तो उन्हें छितरा कर जाएगा, जाएगा कि नहीं आएगा, जिन्हें इन्हें घुमाएंगे उन्हें जाएगा, इन्हें सबटेंगे इन्हें खड़े जाएगा, है ना, प्रकाश मारेंगे इस पर तो ये वापस चलाएगा, तो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको समझाइए दिए हैं, क्या होता है नियम, बोलिए आपतन कोण परावर्तन कोण के, क्या होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के, और क्या दूसरा नियम, तो दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, ये भी समझा दिए हैं। चलिए अब है प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है देखो समझना बहुत जरूरी है, प्रतिबिंब होता क्या है, किसी चीज का फोटो बनना, जैसे हम आईना के सामने खड़ा होते हैं तो एक हम होते हैं जो हम इधर है, एक आईना में भी हम होते हैं वो क्या है, हम ही हैं बट हमारा प्रतिबिंब है, है ना, हम ऐसे किए ठीक है, अभी हम किए तो वो हाँ वीडियो में भी ऐसे कर रहा है, ये हम हैं और वो मेरा प्रतिबिंब है, क्या है प्रतिबिंब, अभी तुम हमसे पढ़ रहे हो कभी भूल जाओगे तो हमारा प्रतिबिंब तुम्हें पढ़ाएगा, क्या प्रतिबिंब ना हुआ उसका, तो आईना के सामने हम खड़ा होते हैं तो क्या होता है, वो मेरा प्रतिबिंब बनता है। देखो प्रतिबिंब का परिभाषा तो समझने के, आप हम दूसरे कहें बुआ प्रतिबिंब किसे कहते हैं, सर ये हम है आईना में रहेंगे वो प्रतिबिंब है ना, तो लोग लिख देता है, हमसे समझ गए ये बात की, तू लिख देता है हाँ, आई सब हो जाए कट तो हम पिटाई लगने, सर आप ही पढ़ाते हैं कहते हैं कट, तो जब हम पढ़ाते हुए हैं तो लिखाई का लगी है, बोलिए दिमाग लगाने की बात है, जब हमको वही पढ़ाना वही समझाना तो लिखाई का लगी है, तो फिर कहे सर तो फिर समझाए का लगी है, तो बताते रहे कब से, ये याद करना है, समझा इसलिए रहे हैं ताकि दिमाग में याद हो जाएगा ना, तो समझ आएगा ना, तो याद जल्दी हो जाएगा, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, इसलिए समझाते हैं ना कि वही लिखने के लिए समझाते हैं, नहीं ऐसा जब रहता तो हम समझाएबे नहीं करते आपको, आराम से कतो लिख लिया याद कर लो हो गया काम कतो, चाहे समझाए तो कहते लिखने की होते नहीं है, नोट्स नहीं लिखो क्या, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो कह रहा क्या, किसी वस्तु से निकलने वाला प्रकाश किरणें जो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, ये परिभाषा प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब माने होता है हमारा फोटो, हमारा तस्वीर जो आईना में आता है वो, तो कैसे होता है, क्या परिभाषा है, जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, माना कि ये प्रकाश की किरण निकला यहाँ पे और निकल के आया और ये भी निकला इधर से निकला ये भी निकला, प्रकाश कहाँ पे पड़ा, दर्पण पे ही पड़ गया, दर्पण है क्या है, दर्पण इसको पढ़ेंगे हम लोग, अवतल दर्पण है बाद में पढ़ेंगे, तो इस पर प्रकाश पड़ा और दर्पण पे प्रकाश पड़ा, पड़ने के बाद इधर आया, ये भी पड़ा यहाँ पे आया, ये भी पड़ा यहाँ पे आया, ये भी पड़ा यहाँ पे आया, सब कहाँ पे मिला यहाँ पे, तो यही है प्रकाश का इस वस्तु का क्या प्रतिबिंब, माने कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु से निकल कर दर्पण पर पड़ती है और वहां से प्रवर्तित होने के बाद
जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता कि काटती है, तो उसी बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर याद कर लीजिए, नहीं याद हो रहा है, देखिए यह है दर्पण। क्या हुआ, यह क्या है? दर्पण है। किसी वस्तु से प्रकाश निकला है, किसी वस्तु से प्रकाश निकला है, जैसे ये निकला, ये वस्तु है, यहां से प्रकाश निकला, यहां गया और टकरा के यहां पे आया, फिर ये भी गया टकरा के यहां पे आया, 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 तो ये टकरा के जहां पे मिला उसे क्या कहें? वस्तु का प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? तो मैं क्या, तो याद करना है प्रतिबिंब का परिभाषा। तो आज हम इतना ही पढ़ाएं आपको, है ना, थोड़ा और पढ़ा सकते हैं, थोड़ा पढ़ा ही देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, लेट हो जाएगा ना। अब क्या करना है, नहीं 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 उन लोगों को कल पढ़ाए नहीं थे, उन लोगों को कल पढ़ाए थे, उन लोगों को कल लिखा था बैठ के, आज उन लोगों को पढ़ाना पड़ेगा हमको, अब आप लोगों को लिखना पड़ेगा। कल ही आपको लगातार कुछ ना कुछ चेकते ही रह गए, देखे उन लोग पढ़ते, सुनिए सुनिए पहले सुन तो लीजिए करना क्या है। विज्ञान में नोट्स तो ही ना कि लिखिएगा, आप विज्ञान का नोट्स लिखा गया, जितना लिखे उतना लिखा गया, उसके आगे बना ही नहीं था, आगे था नहीं, आगे नहीं है, थोड़ा मोड़ा होगा अब, पता नहीं होगा। आए हाँ, तो अब विज्ञान का नोट्स नहीं है तो दूसरा चीज़ लिखवाना पड़ेगा, दूसरा विषय लिखवाना पड़ेगा, कोई दूसरा विषय में कौन विषय लिखवा दे आपका, नागरिक शास्त्र का भी नोट सुधार करना है थोड़ा सा, और इस बार थोड़ा सा बोले थे सुधार करेंगे थोड़ा सा, उसका याद नहीं होता है, उसका परिभाषा बदलना पड़ेगा, अपने से लिखना पड़ेगा, और इसलिए नहीं लिखा रहे हैं। हिंदी बना हुआ है, हिंदी बना हुआ है, भूगोल बना हुआ है, हिंदी और भूगोल बना हुआ, तो हिंदी में कौन पार्ट तक लिखे दो, हिंदी कॉपी तो लेकर नहीं आए होंगे आप, हाँ गदखंड नहीं है, पद स्टार्ट किए थे, पद में दो तीन को कविता पढ़ाए थे, नोट्स दिए थे और बाकी सब सही रह गया था, नहीं अभी क्या देना चाहिए, समस्या हो गया, देखते हैं देखते हैं।